Hello everyone, this is Sushandiv Geekar and welcome to another scintillating, spicy and dhamakedar episode of the Manish Paul Podcast. तुमने जो एक बार अटेम्प्ट किया था टू एंड योर लाइफ, I've never spoken about this. फिर अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आई वुड हैव बीन डूइंग दैट. I would have been selling my body. बहुत emotional था. Genders को भी other gender क्यों बोला जाता है? What do you mean? और ये भी बोलते हैं ना ये normal नहीं है. हाँ. अब आप सोच रहे होंगे कि generally podcast की शुरुआत मैं खुद करता हूँ, लेकिन आज सुशांत ने क्यों करी? मैं आपको बताता हूँ क्यों. देखिए क्या है, मुझे लगता है कि आज का episode देखने के बाद और सुनने के बाद हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं, उनकी सोच बदलने वाली है. इसीलिए आज एक नई शुरुआत हुई है, एक अलग शुरुआत हुई है, ताकि जितने भी लोग हमें देखें और सुने वो LGBTQ कम्युनिटी को अच्छे से समझें, उनको नए नज़रिए से देखें और लोगों की इस तरफ सोच बदले. सो दैट इज़ वाई फर्स्टली थैंक यू सो मच सुशांत, यू नो आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आज सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस, यू नो ना सिर्फ मेरी बल्कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत से जानकार ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आता जी. कि तुम्हें एड्रेस कैसे किया जाए जी. तो आज मैं इसी से शुरुआत करना चाहता हूं, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं? देखिए ये बहुत ही शायद लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, बट ये हमारी हकीकत है. हाँ. तो मुझे भी पहले पता नहीं था कि आई एम अ ट्रांस पर्सन. ओके. बट जब हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई और हमें पता चला हमारे अपने आप के बारे में, तब हमें पता चला कि यू नो आई एम नॉट अ मैन और अ वुमन. ओके. और फिर मेरी माँ कहती रहती है कि जब उनकी बात होती है उनके सहेलियों के साथ, या फिर आई एम सो लकी ना हैव अ सन एंड अ डॉटर इन द सेम चाइल्ड. मम्मी जी सबसे पहले तो आपको रियली इस बारे में मैं डेफिनेटली आगे जाके बात करना चाहूँगा. ओके. तो बहुत इमोशनल था वो, जब हमने उनसे भी शेयर किया, मेरे पापा से भी शेयर किया, तब बहुत इमोशनल एक जर्नी रही है उनके साथ. हाँ. और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. या तो फिर मुझे पता चला कि ठीक है, यू नो आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन. ओके. तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ही बुला सकते हैं, शी दे देम. मेरे तीन प्रोनाउन हैं. जो भी आप, बट जो भी बुलाएं प्यार से, इज्जत से बुलाएं. क्या बात है, जो भी बुलाएं प्यार से बुलाएं, इज्जत से बुलाएं, जो सबसे बड़ी बात है. और आई थिंक ये एक चीज ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मिसिंग होती है जी. ये एक इज्जत से बुलाना, एक रिस्पेक्ट देना जी. जिसकी एक बहुत बड़ी फाइट है जो आई थिंक तुम भी बहुत फेस कर रहे होगे डेफिनेटली. और इस बारे में मैं लोगों को थोड़ा इनलाइटन करना चाहता हूँ. और आई थिंक आप लोगों की टुवर्ड्स थोड़ा हमें लाइट और रिलैक्स होना ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई यू नो आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो, ताकि आज खुल के बातें हों, खूब सारी बातें हों. अच्छा अगर बात करी जाए, वैसे आपको बताऊँ सुशांत जो हैं वो हिंदुस्तान के पहले ड्रैग क्वीन हैं. आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली ब्रिलियंट. और इंटरनेशनल स्टेज पे यू हैव परफॉर्म्ड, यू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया. सो ये ड्रैग क्वीन क्या होता है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता कि ड्रैग क्वीन क्या है. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहना चाहेंगे कि दिस इज माय प्लेजर दैट आई एम ऑन द शो, क्योंकि मेरी पहली शो जो मैंने होस्ट की थी तभी मुझे नॉमिनेट किया गया था इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स के लिए. हम तो भाई लेडी गागा जैसे आए थे और हमने आपको देखा था, तो हमने कहा मैं फिर नॉमिनेशन ही हमारी अवार्ड है, क्योंकि हमने आपको देखा और हमने कहा कि फिर तो दादा ही जीतेंगे. बट दैट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम कि कम्युनिटी से किसी को नॉमिनेशन भी मिला. और आई वॉज इन कॉलेज, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत इट वॉज अ वेरी वेरी मोमेंटस, बहुत अच्छा एक मेमोरी बना मेरे लिए. बट सो सिंस देन टिल नाउ यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव एंड सो लविंग, नॉट ओनली टू यू नो द कम्युनिटी, आई थिंक यू हैव जस्ट बीन फॉर एवरीवन. जब भी हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं तब ऐसे लगता है कि हमारा अपना ही कोई हमसे बात कर रहा है, यू नो. तो
वैसे ही वही मूड लेके आज हम आए हैं कि आप अपने ही हैं, और यू नो वही उस एक माहौल क्रिएट करने के की कोशिश मेरी रहेगी बिल्कुल। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, हम अपने ही हैं। आई थिंक ये जो हम एक बात कहीं ना कहीं खो जाते हैं, भूल जाते हैं, और हम कहने लगते हैं तुम लोग नहीं है यार। हाँ, ये कम्युनिटी क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि कम्युनिटी ऐसे थोड़ी मेंबरशिप लेके थोड़ी बनती है कम्युनिटी। हम अलग हमारे से नहीं हुए, हमको अलग किया गया है सोसाइटी से। सो यू नो ड्रैग, जैसे कि आपने पूछा मुझे, ड्रैग इज एन आर्ट फॉर्म, एक कला है ड्रैग। और ये भी हम बताना चाहेंगे आपको कि आई एम नॉट द फर्स्ट ड्रैग क्वीन, बट फर्स्ट ड्रैग क्वीन इन द मेन स्ट्रीम। ओके, मेरे पहले बहुत सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं जिनको बहुत, मेरे से तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था, क्योंकि 60s, 70s, 80s, 90s में ये सारी बातें ही नहीं होती थी, पॉडकास्ट नहीं होती थी, और कैरेक्टर्स का बहुत मजाक उड़ाया जाता था फिल्मों में, टीवी पे। तो जो आर्टिस्ट थे, हमारे कलाकार थे, उनको कहीं ना कहीं उनके कला को छोड़ के अपने लिंग और लैंगिकता पे जज किया गया। आई थिंक दैट ड्रैग एज एन आर्ट फॉर्म हमारे देश ने, इनफैक्ट हमारे देश में पहले शायद हमारे जो डांसर्स थे, फोक डांसर्स थे, हमारे भगवान भी यू नो इतना अच्छा नृत्य नाट्य करते थे। तो वो मुझे थोड़ा ऐसा खटका कि हम क्यों अपने आर्टिस्ट को इतना इतनी हम क्यों उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड कि हम क्योंकि उन्हें जज करते हैं, उन्हें जज करते हैं कला को छोड़ के। सो आई सेड दैट आई हैव टू चेंज दिस। तो हम कैसे चेंज करें? सो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन अ बार। ओके, एंड बहुत लोग कहते थे कि अरे यू नो यू आर एडुकेटेड, आप बार में क्यों? मैंने कहा जितनी इज्जत मुझे उस बार में मिली है ना, मुझे रास्ते पे नहीं मिलती, या फिर मुझे एक बहुत बड़े मंच पे भी नहीं मिलती, क्योंकि मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं लोग, यू नो मुझे सेक्सुअलाइज करते हैं, या फिर मुझे एज अ वेरी इन अ वेरी डेरोगेटरी मैनर। एब्सोल्युटली, ये होता है। हाँ, बट इन अ बार आल्सो वो कला को इतना वो सराहते हैं। सो एज एन आर्टिस्ट आई फेल्ट कि वो आपके लिए बार होगा बट मेरे लिए मंदिर है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बट यार एक्चुअली बहुत डिफिकल्टीज जो हैं उसका सामना करना, लेकिन सबसे बड़ा जो आई थिंक डिफिकल्ट मोमेंट रहा होगा इज व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज्ड कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं। मेरे पापा ने मुझे पूछा कि वन डे ही वाज जस्ट हम बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा सुशांत आर यू गे? तो ये पापा ने पूछा सीधा? हाँ, एंड आई वाज हम 18 साल के थे। okay. तो हमें पता नहीं था कि क्या बोले हम। मुझे झूठ नहीं बोलना था। हाँ. क्योंकि एक बात हमें सिखाई गई थी बहुत स्ट्रिक्टली, आप झूठ मत बोलना, जो भी हो सच बोलो, सच बोलो। तो हमने कहा हाँ, सो ही इज लाइक ओके, आई सेड ओके, ओके, दैट्स क्वाइट अ कन्वर्सेशन, सुशांत आर यू गे? पापा हाँ, ओके, एंड आई लाइक ओके। तो ही सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, I don't understand enough. तो अब ये हमारे ऊपर है as your parents कि हम कोशिश करें समझने की। ये आपके ऊपर नहीं है। आपको जैसे बनाया है, आप जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये अब हमारे पे है कि हम you know journals read करें, ये हम पढ़ाई करें इसके बारे में, हम पढ़ें, क्योंकि जो इंटरनेट हमें गाली देने के लिए जो इंटरनेट है, ट्रोल करने के लिए वही इंटरनेट, जानकारी हासिल करने के लिए भी वही इंटरनेट। क्या बात है, तो क्या बात वो है? मेरे पापा ने कहा, नाउ ही 65, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई जवान वोक बहुत ज्यादा सुपरस्टार यो है वो, बट मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में वो ज्यादा यो है जो लोग यो वो करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं यू नो हमारे मम्मी पापा की जो जनरेशन है, आज फिर भी माहौल खुल गया है, यू नो गे की बात हो, लेस्बियंस की बात हो, ट्रांस की बात हो, आज फिर भी लोग समझते हैं, फिर भी थोड़ी टॉलरेंस मैं कहूँगा ऐसे आ गई है, लेकिन वो जनरेशन नहीं समझती। आपके पेरेंट्स ने तो चलो समझा, लेकिन रिश्तेदारों ने नहीं समझा होगा। और ये बहुत ही एक एक्चुअली मेरे लिए एंटरटेनिंग चीज़ है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, हमारे
जो महाभारत रामायण आप माइथोलॉजी में देखिए, सन टेंपल जाइए, खजुराहो में देखिए, हमारे तो ट्रांसजेंडर भगवान थे. तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे कल्चर में नहीं था. पर जब मुगलों ने हमें इन्वेड किया, जब ब्रिटिशर्स ने हमें इन्वेड किया, तो ये उनकी नैरो माइंडेड जो उनका नैरो माइंडेड उनके जो उनके थॉट्स नैरो माइंडेड उन्होंने हम पे इम्पोज किए हैं और हमें दबाने की और हमें अलग अलग करने की कोशिश की थी. तो हम जब बात करते हैं कि कास्ट और रिलीजन के तौर पे हमें अलग अलग किया, पर हम इस बारे में तो बात करते ही नहीं है कि लिंग और लैंगिकता के ऊपर हमको भी डिवाइड किया गया. तो बहुत बुरी तरह से डिवाइड किया गया था, बिकॉज दे न्यू दैट जब हमारे राजा महाराजाओं के महलों में और उनके पैलेसेस में उनके सारे सेनापति, उनके सारे काउंसलर्स ट्रांसजेंडर थे. तो हमारा औदा उस लेवल का था, डेमी गॉड्स, तो भगवान के नीचे हमारा औदा था. इसीलिए आज भी जो हिजड़ा कम्युनिटी में से जो हमारी बहनें हैं, उन्हें क्यों बुलाते हैं दुआएं देने के लिए जब बच्चा पैदा होता है या शादी होती है या फिर यू नो वो आशीर्वाद देने के लिए क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनको दे हैव अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, यू नो, एंड बिकॉज वो दे विल थिंक फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वुमन्स पर्सपेक्टिव, दे हैव द पावर ऑफ बोथ. और वो बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, बट ये हमने वी हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई. आई थिंक हाँ बिल्कुल. आई थिंक कहीं एक और चीज व्हिच आई वांट टू ब्रिंग आउट इज जहाँ भी अगर हम ट्रांस गे या लेस्बियन की बात करें, कहीं ना कहीं उनको एक अलग नजरिए से दर्शाया भी जाता है. यू नो मे बी ऑन स्क्रीन भी हो, बिल्कुल. ज्यादातर मैंने देखा है, अगर आप पुराना टाइम देखो तो कुछ फनी सा दिखा देंगे या कॉमिकल दिखा के निकाल देंगे, या फिर उनकी उनको मोलेस्ट करेंगे, या मतलब उनको. और इतना नॉर्मलाइज किया गया था ना ये कि, और सेंसेशनलाइज ये किया गया था कि उनके उनका जेंडर ही सब कुछ है और उसका मजाक उड़ाया जाए. Not just trans people, also people who are darker skinned, people who are plus size. तो इस ये इतना stigma attach किया गया था ना, also cultural stereotypes कि अगर आप south Indian हो तो इडली डोसा वही है, typical वही. अगर आप north Indian हो तो आप सिर्फ बल्ले बल्ले भंगड़े. तो this was बहुत सालों तक ये ऐसा नहीं. तो सो देन व्हेन पीपल सी के ये भी इंसान है, ये भी हमारे तरह ही बात करते हैं, तो इनको ऐसे क्यों दर्शाया जाता है? बट बहुत लोग ऐसे थे, यू नो, एज यू सेड, इन द 80s 90s उस जमाने में हमारे समुदाय से भी, हमारे कम्युनिटी से भी बहुत लोग आगे उभर के आए ही नहीं लोगों को अपनी असली शक्ल दिखाने के लिए. तो क्या हुआ कि वो कैरेक्टर में ही रह गया, कैरेक्टर्स में ही रह गया, लोगों की समझ उधर तक ही थी. एक्चुअली वो उनका कैरेक्टर नहीं था, वो एक सोसाइटी ने कैरेक्टर बना के थोप दिया मतलब फिल्मों में, फिल्मों में, जिसके कारण आई थिंक कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लोग डर भी गए और सहम गए कि नहीं यार मजाक बन जाएगा. अरे हम भी तो डरे थे ना, जैसे हमने कहा आपको कि हमने भी आके, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, 15 साल पहले नहीं किए क्योंकि हम भी डरते थे. तब हम छोटे भी थे कि हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा. तो ऐसे करके बहुत लोगों ने, मुझे बहुत बुरा लगता है कहने में, बट बहुत लोग फिर और क्या करेंगे और कैसे कमाएंगे. तो आप सोच सकते हैं कैसे कमाते हैं, यू नो. तो अब ये हो गया. और फिर अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आई वुड हैव बीन डूइंग दैट, आई वुड हैव बीन सेलिंग माय बॉडी, आई वुड हैव बीन, यू वुड हैव प्रोबेबली बीन ऑन योर वे बैक सीइंग मी, यू नो, ऑन दिस रोड. सो इट्स नॉट लाइक हमें काम नहीं करना, हमें तो काम करना है, बट अगर चॉइस नहीं छोड़ते, यू नो. और ऐसा नहीं है कि आई एम नाउ educational, my qualification is that I'm an industrial psychologist, but there are so many people that want to study, that want to have white collar professions, उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता. तो ये बहुत गलत है, you know. ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ नाचेंगे गाएंगे, हम सिर्फ मांगेंगे या फिर हम सिर्फ धंधा करेंगे. हम उससे को कई ज़्यादा हैं. पहले हम इंसान हैं, हमको इंसान के जैसे देखा जाए, फिर ऑटोमेटिकली आपका नजरिया बदलेगा. माय गॉड यार, मतलब एक्चुअली रोंगटे खड़े होते हैं. जैसे कि अभी सुशांत ने कहा कि किस तरह के कामों में फोर्स किया जाता है, यू नो, इनकी चॉइस नहीं है, बट लिटरली देयर इज नो वे आउट. और कैसे कमाएंगे ना, आपके भी माँ बाप हैं या फिर आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. हमें नहीं खड़े रहना रास्ते पे. आपको लगता है हमारी मेरी बहनों को खड़े रहना है? देयर स्टैंडिंग, they don't want to stand. और उनके लिए कुछ है ही नहीं. और अगर वो जाएं तो
फिर उनका उधर भी मजाक उड़ाया जाता है, फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी रक्षा करने के लिए रखे गए हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं, वो भी आपका गलत फायदा उठाएंगे आपको इधर उधर। सो अब जाएं तो कहाँ जाएं हम? हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है. यू नो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट करना है, कर लेंगे. नहीं, आई थिंक यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ अस. आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो हमने ऐसा नहीं है कि किसी हम और को कोई बाहर से लाके एक्सेप्ट करना है. ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे वर्ल्ड का, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, जिससे जिसे हम इतने टाइम से इग्नोर कर रहे हैं. हम लोग हाँ अपनी आंखें मीच के बैठे हैं. आई थिंक वो, आई थिंक अगर एक बार लोग एक्सेप्ट करें तो आई थिंक द थिंग्स कैन मूव ऑन, यू नो. या एंड वो एक मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि टू ग्रो इन लाइफ यू हैव टू अनलर्न एंड रीलर्न, या एब्सोल्युटली. क्योंकि हमें बहुत सिखाया भी जाता है ना, कंडीशन किया गया है हमें, ये इनकी भी गलती नहीं है हाँ, ये आज की बचपन से भी था कि ये जनरेशन। सही है और वो गलत हाँ है और वो तो बिल्कुल नहीं है. तो और हाँ, बिल्कुल, तो वेरी अगर ट्रू. वो हमने अनलर्न करके हमारे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक अगर हमने सीखा नहीं तो हमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, क्योंकि अगर हमें जो बोला गया है उस पे यकीन करके हम मानते चले ऐसे, यू नो लाइक ब्लाइंडर्स आप दौड़ रहे हो सिर्फ, यू नो एंड यू रीच हाँ द एंड एंड यू योर देन यू थिंक यार हाँ बड़ा व्हाट कुछ. हैव आई व्हाट डिड इट व्हाट हाँ डिड आई डू, हमने हाँ क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ। तो बिफोर इट्स टू लेट, अभी देखिए हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम ट्रांस हैं तो आप भी ट्रांस होने होना चाहिए, बट हाँ स्ट्रेट लोगों का क्या है, थोड़े लोगों का कि हम हाँ स्ट्रेट हैं तो सभी स्ट्रेट हैं, और ये स्ट्रेट क्या है, आप कौन स्ट्रेट हो, आपके बाल स्ट्रेट नहीं है, आपके नाखून स्ट्रेट नहीं होते, आपका कुछ स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट का मतलब क्या, स्ट्रेट एंड नॉट स्ट्रेट मीन्स वॉट, और ट्रांसजेंडर्स को भी अदर जेंडर क्यों बोला जाता है, व्हाट डू यू मीन और अदर ये भी जेंडर। बोलते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है. हाँ नॉर्मल कौन है आज के, और नॉर्मल डिफाइन कौन करता है आप बताइए मुझे नॉर्मल। अब नॉर्मल वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, और साइंटिस्ट ने तो ये रिसर्च करके बताया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप अब आप क्यों चित्रगुप्त बन रहे हो, आपको किसने हक दिया है, वेरी मेरा ट्रू. चरित्र आप कैसे लिख सकते हैं, ये हम ही लिखेंगे, आप देख सकते हैं, आप अपना अपनी राय इधर रख सकते हैं, बट इज दैट आपकी ओपिनियन मेरी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता, या आप अपने ओपिनियन से मुझे ये नहीं बता सकते कि दिस इज अ फैक्ट। आप मेरी डेस्टिनी और आप मेरा फ्यूचर हाँ डिसाइड नहीं करेंगे. ये क्या मेरी बात कही हकीकत है, नहीं है, ये मेरी तो हकीकत जो है वो मैं खुद बताऊंगा. यार बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात. अगर हमें पैंडेमिक ने एक महामारी ने हमें नहीं बदला तो हम पे हमको मतलब हम इंसान नहीं है फिर। हाँ ये तो है, ये बात तो तो. तब मुझे पता चला कि यार हम एक दूसरे को कितने लेवल्स पे जज करते हैं और क्यों करते हैं। तब मैंने सोचा कि थ्रू ड्रैग आई विल परफॉर्म इन अ बिकिनी ऑल्सो, आई विल परफॉर्म इन अ लहंगा ऑल्सो, आई विल परफॉर्म इन अ साड़ी, आई विल सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस, हम सारे लैंग्वेजेस में गाएंगे क्यों नहीं। क्या बात है यार. अगर आप पूछते हो क्यों करते हो आप, मैं हमारा ये सवाल है क्यों नहीं, कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा, क्यों रोकेगा. आई ये तो थिंक कला है ना। यार कला की तो वैसे ही कोई सीमा नहीं होती. बिल्कुल आई थिंक एक आर्टिस्ट जो होता है, जन वैसे भी कहते हैं कि बाउंड्रीज नहीं होती. या यू नो आर्ट कला इज की कोई नो बाउंड्री नहीं है. या कला तो जितनी खुल के हो, और एक आर्टिस्ट जो होता है उसको जितना फ्रीडम में छोड़ो वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है. बिल्कुल सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है. एंड आई होप यू स्टिक टू इट. यू नो किसी की ऑफ मत सुनना, और जो अच्छा कोर्स काम करते हो वही करना. जी लेकिन यार एक बात मैं, आई वॉन्टेड टू नो, व्हेन वॉज द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड कि यू आर गे? ये कब पहली बार कब तुम्हें रियलाइज हुआ? देयर वाज माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स मदर्स, तो वो बहुत वो तभी एक टीवी शो आता था जब हम छोटे थे विल एंड ग्रेस, तो वो देखती थी तभी उनको, सो शी वाज वेरी कंफर्टेबल विद, उधर उसमें एक गे कैरेक्टर था, तो जब भी वो आता था ना तो आई यूज्ड टू रन अवे, अच्छा या आई यूज्ड टू बी लाइक ओ गॉड हाँ ये तो दिस कुड बी मी, हाँ सो आई यूज्ड टू फील स्कैर्ड, क्योंकि यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता था ना, तो वो एक अमेरिकन शो था तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से उनको दिखाया हाँ जाता था एंड स्टफ। तो देन एवरी टाइम आई यूज टू रन, नो देन दर आंटी उन्होंने कहा कि ये क्यों हर टाइम ये जो विल आता है तभी ये वो भागता भागता है। क्यों? सो देन व्हेन आई वाज लिटिल ओल्डर 13 साल की, मतलब शी आस्क्ड मी फर्स्ट एंड देन आई योर सेड आंटी, माय फ्रेंड्स मदर, ओके योर फ्रेंड्स मदर. सो आई डिडंट से एनीथिंग, आई लुक डाउन लाइक दिस, सो देन शी इज लाइक इट्स ओके, इट्स नॉट अ दिस, यू सॉ हाउ हैंडसम ही इज, यू सॉ हाउ ब्यूटिफुल दैट अदर गर्ल इज, शी इज ट्रांस, यू नो शी मेड मी अंडरस्टैंड, तब जाके देन आई बट बिकॉज हम इसलिए भी डरते थे क्योंकि
हमारे फिल्मों में बहुत बुरी तरह से दर्शाया जाता था, हाँ बहुत ज़्यादा। तो वो खौफ था हमें। वो एक मूवी बहुत ही बकवास मूवी आई थी, और उसमें एक कैरेक्टर थे, जब भी वो आते थे स्क्रीन पे, वो एक ऐसा वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था। तो एज अ किड ना, वो मेरे को इट वॉज हॉन्टिंग फॉर मी एज अ किड, बिकॉज एवरीबडी यूज टू बी, यू नो, वेन एवर समवन लाइक मी वुड वॉक, वो धुन वो गुनगुनाते। यार बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब अब एक्चुअली मैं सुन रहा हूँ सुशांत, मतलब अभी तक मैं उस तरफ से देख रहा था, लेकिन अब मैं फेस टू फेस बैठ के बात कर रहा हूँ। अभी भी हाँ मुझे इमोशनल, आई फील आई इमोशनल। कैन इमेजिन, मतलब एज अ चाइल्ड अब वो म्यूजिक हॉन्ट करने लगता है, वो आपके दिमाग में बस सकता है, इट कैन सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट, यू नो, बट आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट, इवन दो आई वॉज ऑन टी वी, आई वॉज, यू नो, आई वॉज लेंडिंग माई वॉइस टू सम ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स, बट तभी भी मेरे मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं थी। बट व्हेन आई केम आउट एज ट्रांस, आई सेड नाउ नाउ यू हैव टू डील विद दिस। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ सुशांत जब आउट ऑफ क्लॉजेट एंड उसने कहा बॉस दिस इज मी, पहली बार इस अवतार में सुशांत सामने कब आया? आई वॉज आउट ऑफ द क्लॉजेट जब हम 18 साल के थे, हाँ तभी फिर जब भी हमें हमने अपना पहला शो किया था, इट वॉज नॉमिनेटेड विथ यू, दैट इज अराउंड दैट टाइम 18-19। एंड देन बहुत सारे टीवी शोज किए, फिर बिग बॉस में भी गए एज सुशांत गए, तभी तभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल अवार्ड जीत के आए थे। बट क्या मिला? गालियाँ मिली। ये नहीं था कि हमें, यू नो, हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। आउट ऑफ 49 कंट्रीज आई वॉज पीपल्स चॉइस, कंजीनियलिटी, रिकॉर्ड बना के आए इंटरनेशनल, लेकिन तभी भी। सराहना नहीं, यहाँ मजाक ही बस। हाँ, तो ये, सो इट वॉज लिटल लाइक आई वॉज ओके, अगेन आई वॉज सेइंग यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू डू दिस। फिर जब हमने ड्रैग परफॉर्म करना शुरू किया, तभी रानी कोहिनूर को क्रिएट किया। रानी कोहिनूर, हाँ, ओके। रानी क्योंकि क्वीन, रानी हाँ मीन्स क्वीन, ऑल्सो बिकॉज ड्रैग क्वीन, और रानी सभी बोल सकते हैं, हाँ रानी, हाँ इसमें आप गलती नहीं हाँ कर सकते। इजियर टू सुशांत हाँ दिवगीकर में शायद गलती हो सके, पर रानी में तो कोई। और हाँ कोहिनूर क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे से सिर्फ कोहिनूर नहीं चुराया था, हाँ हमारे से बहुत, हमारी, हमारा अस्तित्व चुराया था उन्होंने, हाँ तो वो मुझे उन्हें दिखाना था कि हम कैसे वापस लाएंगे हाँ आर्ट और कला के जरिए। क्या बात है यार, मतलब आप तो देखो आई लव इट एकदम से, मतलब अच्छा लग रहा है यार और सुन के, दिस सो तो नाइस। हम गए उधर परफॉर्म किए हाँ उनके लिए, उनके जो बहुत ही दिग्गज जो आर्टिस्ट हैं, ग्रेहम नॉर्टन के लिए, फिर बहुत सारे उनके सबसे बड़े आर्टिस्ट जो हैं म्यूजिक और आर्ट्स को लेके, बहुत लोग पैसे देते हैं उनके इंटरव्यूज पे जाने के लिए, मैंने सुना है। हाँ मुझे फ्री में किया उन्होंने, मतलब वाओ फ्री में नहीं, ऐसे ऐसे हुआ कि वो इतने बड़े थे और वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेज पे। हाउ मेरे को पहले नाइस यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यू नो। एंड फिर उन्होंने बोला फ्रॉम इंडिया, पहले मेरे देश का नाम आया, हाउ नाइस जहाँ पर, एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी इंडियन फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स। पहले हम, हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है। एब्सोल्युटली तो जब हमारे देश का नाम पहले और वो फ्लैग हमारा तिरंगा पीछे और फिर हमारी एंट्री, सो फ्रॉम मुंबई इंडिया रानी कोहिनूर, क्या बात है। जो जो लोगों ने सोचा था कि, यू नो, हमारे देश से कोई जा नहीं पाएगा, या फिर इस एरिया में या फिर ड्रैग में हमारे से कोई रिप्रेजेंटेशन शायद मिले ही नहीं ना हमें इंटरनेशनल एक मकाम पे। तो जब हम वहाँ गए, तब आई वॉज लाइक दिस इज अनरियल, दिस इज समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट। मैं यहाँ पे सबको यू नो बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, तुम जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं यू नो हुआ स्टिल कंफ्यूज्ड, वो डिलेमा में है, हम बताएं कि ना बताएं परिवार को कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या ट्रांस हूँ। यू नो मुझे लगता है कि आप लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है जो आप हैं, आई थिंक एक्सेप्ट करना है आपके आसपास के लोगों को, जी पेरेंट्स को, जी तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हो, कितना ज़रूरी है यार ये सपोर्ट? आई थिंक ये सपोर्ट ही सब कुछ होता है।
एक बच्चे के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जैसे आपने कहा ट्रांसजेंडर हो, या फिर उनका उनकी लैंगिकता क्या है, चाहे हाँ वो हेट्रोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं देंगे तो आप ये भूल जाइए कि बाहर वाले उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि करेक्ट उन वो तो कहेंगे ना आपके बच्चे को, अरे अपने माँ बाप ने ही तुम्हें घर से बेदखल कर दिया, तुम हाँ क्या आ रहे हो यार इधर, यू नो, इट्स लाइक दैट. बट इफ़ योर पेरेंट्स, अगर आपके माँ बाप ने आपको वो शक्ति दी, आपको ताकत दिया, आपकी सहनशीलता का कारण वो बनते हैं, हाँ यू नो, आप बाहर सहन कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको घर पे नहीं करना पड़ता है, आप घर पे अपने आप को जैसे हो वैसे ही रख सकते हो और इज्जत से रख सकते हो. तो हाँ ये बिल्कुल परिवार का कर्तव्य होना चाहिए, हाँ माँ बाप का स्पेशली, कि अपने बच्चे को पहले, अपना बच्चा है वो, उसके बाद में सब कुछ है, हाँ यू नो, अपने उसके बाल ऐसे हैं, उसके आँख ऐसे हैं, उसका वो है, ये है, वो है, वो सब बाद में आता है, बाद में आता पहले है मेरा बच्चा है वो. यार, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर हर पेरेंट ये बात समझे और साथ दे तो आई जी थिंक कितना इजी हो जाएगा, कितना बिल्कुल हैप्पी वर्ल्ड हो ना, जाएगा ये। और उनके लिए भी स्ट्रेस कम होगा ना. हाँ और ये लोग बोलते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे, क्या, और आपके ना करने हाँ से करने से वो बंद करेंगे कहना. हाँ करेक्ट। अगर आपका बेटा हो, बेटी हो, या फिर आपका मतलब संतान हो, ट्रांस हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? वो तो आपके कलर कॉम्बिनेशन पे, किसी शादी पे, ये आपके आपने पार्टी फेंकी है उस पे आके खाएंगे और बोलेंगे कि इसमें कुछ नमक तो हाँ कम था, वो गाना ये बहुत परफेक्ट है, केटरर कुछ तो लोग कहेंगे, ने लोगों लोगों का का काम काम है है कहना, कहना। और छोड़ो बेकार की बातें. हाँ इन बातों का क्या कहना अच्छा आपने बदल जाने दो। लेकिन लिया. यार ये तो बात बहुत जरूरी कही कि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। बिल्कुल. एक वर्ड है जो आई थिंक कहीं ना कहीं हार्श हो जाता है, कहीं ना कहीं रूड हो जाता है, कहीं ना कहीं मैं कानों को हाथ लगा के बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में गाली के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो है वर्ड हिजड़ा। सुशांत तुम्हें कभी किसी ने हिजड़ा बोला इन अ डेरोगेटरी वे, क्या कहना है इस पे? हिजड़ा गाली नहीं है, हिजड़ा एक एक्चुअली कम्युनिटी है जो हाँ ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है दुनिया में. हाँ तो इन जो कम्युनिटी है, हजारों सालों की कम्युनिटी है ये, इसीलिए उनको भगवान का एक मैसेंजर माना जाता था, हाँ इसीलिए वो आते हैं दुआएं देने के लिए आपको. क्या बात है यार, मतलब आप ये बात समझ रहे हो, भगवान का मैसेंजर तभी वो दुआएं देने आते हैं और आपको। हिजड़ का मीनिंग है, हिजर का हाँ मीनिंग है जो जर्नी, जो हिजर, यू कैन गूगल इट, या जो भी सुनने वाले भी हैं वो हाँ कैन गूगल प्लीज इट. हिजर का मीनिंग ही ये, उसका मतलब ही है कि जो जर्नी आप तैर करते हैं भगवान को पहुंचने के लिए, वाओ। इसीलिए हिजरा कम्युनिटी वो है, दे आर क्लोजेस्ट टू गॉड, दैट इज व्हाई दे हैव द पावर्स टू ब्लेस यू. यार और देखो क्या वर्ड का मतलब है और कई लोग उस शब्द को क्या बना के बैठे हाँ हैं यार। ये बड़ी अच्छी बात तुमने सुशांत यहाँ पर की, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे यार मैं अभी सुशांत के साथ बैठा हूँ, इतनी सारी बातें हो रही हैं। एक और बात जो आई थिंक तुमने भी बहुत फेस करी होगी, डिस्क्रिमिनेशन। जी ये डिस्क्रिमिनेट बहुत करते हैं लोग, अच्छे से तरह से देखते नहीं, और ये डिस्क्रिमिनेशन को कैसे फाइट किया जाए, व्हाट कैन यू सजेस्ट ऑन दैट? अगर मेरा ट्रांस होना आपके हेट्रोसेक्सुअलिटी को या अपने मर्दानगी को हिलाता है, तो आप कितने मर्द हो? क्या बात बोली है बॉस, मैं एक्चुअली 2 सेकंड के लिए थॉट में चला गया कि हाँ यार, यार ये फिर से बोलो यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये वाला अच्छा था यार, यू नो, वाओ। तो अगर मेरा हिजड़ा होना या मेरा ट्रांसजेंडर होना अगर आपके मर्दानगी को डगमगा सकता है, तो आप कितने मर्द हो? यू नो, बॉस क्या पावरफुल बात है ये, क्योंकि रियली। आपकी मर्दानगी हमें नहीं डगमगाती, हाँ हमें कोई फर्क मतलब नहीं पैंदा. फर्क नहीं पैंदा सानू। ओके, हाँ सो द थिंग इज दैट देन आपको क्यों इतनी तकलीफ होती है, आपको इतनी क्यों मौत आती है, कि अगर हम एक रूम में बैठ के, हम एक टेबल पे हैं, आप एक टेबल पे हैं रेस्टोरेंट में, आपको देखते ही क्या हो जाता है, हाँ क्योंकि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमने आपको देखा ही नहीं. आप अपनी नजरें घुमा के, एक बार पूरा नहीं, पूरा का पूरा स्कैनिंग मशीन कर देते हैं आप,
हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो आए हैं खाने के लिए, हम आए हैं अपने फैमिली के साथ बैठने के बट लिए। कभी ऐसा हुआ है, ये रेस्टोरेंट की बात हो रही है कि कभी ऐसा हुआ है तुमने कोई टेबल पे अपना खाना वाना खाने बैठे और किसी ने कहा नो आई एम अनकम्फर्टेबल, या किसी फ्लाइट में कहा हो आई एम नहीं अनकम्फर्टेबल? नहीं कहा गया होगा, बट जो जो सर्विस इंडस्ट्री में, बिकॉज आई हैड स्टडीड, यू नो माय फर्स्ट जॉब वुड हैव बीन एज अ पर्सन, ओके, तो फॉर कतार है, अच्छा, मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट देन आई गॉट अ जॉब एज अ वीजे ऑन टीवी, सो आई सेड नहीं वीजे, प्लीज, सो आई नो हाउ टू, मुझे पता है ये हमें सिखाया गया था ना ट्रेनिंग के दौरान कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो स्टाफ होता है ना, मैं पहले उनसे प्यार से ही हमारा हमारी बातचीत उनसे शुरुआत उनसे होती है, क्योंकि दे आर द वन टेकिंग केयर ऑफ यू एंड योर लाइफ इन द सर्विस इंडस्ट्री। एवरी टाइम व्हेन एवर लाइक दिस समवन डज ना, ओ गॉड, मेरा खून खौलता है। हाँ, ये तो जब यार तरीका लोग ऐसे बुलाते हैं वेटर, एक तो वेटर, एक तो उनका पहली बात तो आप उनसे पूछिए आपका नाम क्या है, पॉइंट उनका एक तो लगा होता है, लगा होता है, बट मुझे वो भी गलत लगता है कि क्या कोई ये कुत्ता है क्या, कि टैग लगा रखा है, कुत्तों से भी हम इतना प्यार करते हैं तो इंसानों से क्यों नहीं करते, वो के कोई मशीन है या फिर कोई क्या है, वो तो वो भी इंसान है, उनका नाम है, उनको आके बुलाओ। तो जब हम बात करते हैं ना, तो हमारी देखभाल भी वैसे ही होती है, तो जो अगर कोई आके बोलता है कि नहीं वी आर नॉट कम्फर्टेबल, यू मे लीव, हमें नहीं, हमें कुछ नहीं आके बोलेंगे, बिकॉज दे नो कि हमने कुछ किया ही नहीं। वेरी नाइस nice. तो Very वो nice. उनको ही बोलते हैं आपको प्रॉब्लम है, आप जा सकते हैं, आप कोई और रेस्टोरेंट में बैठिए। तो या तो फिर हाउ कैन वी हेल्प, वांट टू शिफ्ट टू अनदर टेबल, नो नो, इफ अगर कोई बोलता है नहीं उनको बोलो ना, तो उनको क्यों बोले, उनको आपको क्यों प्रॉब्लम बोले? है ना, आप उठिए यार। वही हमारी सोच जो है ना, हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारा आप टॉलरेंस कह लो या पेशेंस कह लो, जो भी कह लो, जो भी वर्ड्स देने हैं, बट माय पॉइंट इज वी कैन कोएग्जिस्ट, है ना, हम लोग सारे एक साथ हैं, ये एक सोसाइटी है, हम सब एक ही सोसाइटी का पार्ट हैं। आई थिंक आप लोग अलग बने हैं वो अलग बात है, हम लोगों ने आपको अलग बना दिया है, और यही है ना वो जो हम और आपका, ये हमें तो चाहिए ही नहीं, किसको किसको पसंद है कि आप उठ के काम पे जाएं और काम पे जाते ही आपको जज किया जाता है। हाँ यार, यू नो, उतरते ही घर से किसको चाहिए ये, यू नो, सो माई थिंग इज दैट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हम में है, ये ऐसी बात नहीं है कि हम सारे ही संत, यू नो, सदगुरु टाइप के ये हैं, नहीं, हमें भी, हमने भी गलतियां की हैं, हमें Absolutely. भी जो हमने सीखा था, हमें भी डिस्क्रिमिनेटरी, हम भी थे किसी और कौम के खिलाफ या फिर कोई कम्युनिटी के खिलाफ या फिर रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स होती है ना जो हमें, यू नो, सिखाई जाती हैं, बट फिर हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो हमारे सारे सब टाइप के फ्रेंड्स थे, तो हमने कहा ये क्या बकवास हमको सिखाया गया है, इंसान इंसान होता है, आप अपना रिलीजन मानो, हम हमारा रिलीजन मानेंगे, हम आपके त्यौहार मनाएंगे, आप हमारे त्यौहार मनाओ, उसमें क्या हो गया, इतनी कहाँ से मौत आती है, ये हमने बनाया है, ये डिस्क्रिमिनेशन हमने बनाया है। आई थिंक, एंड एक और चीज़ है, आई थिंक चाहे कोई गे है, लेस्बियन है, ट्रांस है, आई थिंक ये जो है कभी दूसरे पे इम्पोज नहीं कर रहे हैं कि आप भी बने, है ना, मतलब ये थोड़ी होता है यार कि अब आज कोई मुझे ट्रांस मिला और वो कह रहे नहीं अब मनीष तुम भी ट्रांस बनो, ये नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, ये नहीं है। और मेरे ख्याल आई हैवंट कम अक्रॉस एनी ट्रांस और एनी गे और एनी लेस्बियन जो मुझे फोर्स करे कि आप गे बनो या लेस्बियन बनो या ट्रांस बनो। आई थिंक ये एक तो अपनी चॉइस है, आई थिंक ये अपनी सेक्सुअल चॉइस भी कह सकते हैं इसको, इट्स योर चॉइस, या आपका ओरिएंटेशन, इट्स एन, या आप इसके साथ पैदा हुए हो, तो अगर आप जैसे भी हो, आपको ऐसे मैंने हाथ लगा के थोड़ी बदल सकते कोई, क्या पागल बनती है क्या? हाँ, करेक्ट। अगर आपको हाथ लगा के थोड़ा मेरे बुद्धि आ जाए तो वो फिर लगा सकते हैं, पर आपको ट्रांसजेंडर नहीं बना सकते बुद्धि ऐसे थोड़े ले लो। हाँ, कई लोग ये भी होते हैं ना, क्या ये छूने से फैलता है? हाँ, वो भी क्या है यार, मतलब हद है लोगों की सोच यार, बट दैट्स अगेन, यू नो, एंड बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं ये सब भी बुरे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर नहीं हो या फिर आदमी हो, औरत हो, बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं कैसा करना है। तो उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज, यू नो,
अगर आपके दिमाग में यह है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि आप इतने अच्छे हो, बट अगर उनके ही बच्चे उनको बोले कि हम ट्रांसजेंडर हैं, वो नहीं उनसे सहा जाता. क्यों? आप हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम आपके नहीं. मतलब मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि आप हम आपके संतान नहीं है इसके लिए. यार ये मुझे लगता है कहीं ना हम लोग एक हिपोक्रेसी जो है ना वो हमारे सब में है और हम उसे फेस नहीं करना चाहते. हम वो कहते हैं बिल्ली की तरह आंखें मीच लेते हैं और हमें लगता है मुसीबत टल गई या चीज हट गई. आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब में वो चीज है. ये हिपोक्रेसी को आई थिंक अगर हम जरा दूर रखें, उसको त्याग दें और जो भी है उसको एक्सेप्ट करें, आई थिंक उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया नहीं हो सकती. अच्छा, आपको लगता है कि ट्रांस जो है इनके लिए अलग कोटा होना चाहिए या अलग रूल्स होने चाहिए, अलग कुछ होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल. देखिए, क्योंकि हमको जैसे आपने कहा पहले, और ये हम भी कहते हैं कि हमें जो प्यार मिला है हमारे माँ बाप से, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला. बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं, बच्चे हैं जिन्हें 12-13 साल की उम्र में उनके माँ बाप बेदखल कर देते हैं. यार ये एक्चुअली बहुत ही तो वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? तो उन्हें नहीं पता कैसे कहाँ जाना है. अब जब ये बच्चे ट्रांस होते हैं या फिर अपने आप को एज द ऑपोजिट जेंडर मानते हैं, गलत बॉडी में पैदा हुए हैं, वो उन्हें ये पता है बात कि जो हिजड़ा कम्युनिटी है वो उनकी देखभाल हमेशा करेगी और इतनी अच्छे से करेगी जितनी उनकी माँ बाप ने भी नहीं की. तो जब बोलते हैं ना कि अरे तुम जाओ ना बस्ती में, तुम उनके साथ चले जाओ, अपने माँ बाप आपको बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं ना हिजड़े आके आपके बच्चे को उठा के लेके जाएंगे, ये भी डरा, ये भी खौफ डालते हैं लोगों में. ये भी होता है. हमारी बहनों में ये नहीं है. ये बिल्कुल बेवकूफ है जिसने भी ये अफवाहें फैलाई हैं. ये अब जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को छोड़ते हैं वहाँ पर, और वो पेरेंट्स को भी पता होता है कि शायद ये ज़्यादा देखभाल करेंगे क्योंकि हम ही नहीं समझते. ये बोलते भी है थोड़े पेरेंट्स, बट क्यों नहीं समझते? क्या है समझने लायक? इतना क्या हो गया? क्या समझ? इट्स नॉट रॉकेट साइंस. आप अब इतना नहीं समझ सकते कि वो आपका आपकी संतान वो है. वो लड़की है, लड़का है, वो बाद में देख लेंगे, बट ये पहले आप उसको गले लगा के एक वो तो बोलो ना, ममता कहाँ है आपकी? या फिर आप कैसे बाप हो कि अगर आपने मार मार के उनकी धज्जियाँ उड़ा दी और उनको बोला आप निकल जाओ? ये भी है. वैसे मैंने बहुत जगहों पर सुना, बोलते बहुत ख़राब लगता है लेकिन कई जगहों पे होता है. ये मैंने कई फैमिलीज़ में भी सुना है कि एक बच्चा उनका गे था या उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग थी, तो परिवार ने उसको पीटा. वो कहते हैं इसको पीट के और एक कमरे में बंद कर दो, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा. क्या सो ये बातें भी हैं आज हमारी सोसाइटी. बिल्कुल. मतलब यार, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि मेरे में प्रिविलेज है और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रिविलेजेस को अक्नॉलेज भी नहीं करते. आप अपनी ही कुछ भी स्टोरी बकवास बना के कुछ भी. हम अभी भी बोलते हैं कि हम में उतनी प्रिविलेज है कि हम मुंबई से हैं, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं बेदखल किया, हमें नहीं फेंका बाहर. वो हमारी प्रिविलेज है. हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई सब करवाई, उसके बाद बोला कि अब तुम कमा के लाओ, यू नो, और इज्जत से कमाओ. जितनी इज्जत हमने आपको दी है आप भी लोगों को उतनी ही दो. ये हमें सब सिखाया गया, तो ये हमारी प्रिविलेज है. यार बिल्कुल यार. और पैसों से प्रिविलेज नहीं बनता. ये बात पैसों से प्रिविलेज नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे, बहुत पैसे हैं उनके पास बट दिल नहीं है, दूसरे लोगों के लिए नहीं धड़कता वो दिल. तो क्या काहे का प्रिविलेज है आपका? तो हम तो आपसे बहुत बड़े हैं फिर, यू नो, क्योंकि हम तो सबको ही प्यार करते हैं. ये पैसों से नहीं तोला जा सकता. तो ये प्रिविलेज होती है कि मेरे में है प्रिविलेज. आई एम प्रिविलेज कि मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया. बहुत ऐसे बच्चे हैं और उनके माँ बाप को हम यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर चाइल्ड. हाउ नाइस यार, हाउ नाइस. आई होप सब लोग ऐसा सोचें. और जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस बात से एक्चुअली पेरेंट्स भी जूझ रहे होंगे ना कि जिनके बच्चे हैं जो ट्रांस हैं या जिनकी प्रेफरेंस अलग है, वो भी इस बात से लड़ रहे होंगे, समझ लो. मेरे ख्याल आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपनी लाइफ तो ख़राब कर ही रहे हैं, उस बच्चे की लाइफ. हो सकता है वो फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टेज पे जाके परफॉर्म करे, यार ऐसा भी हो सकता है. सो आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है. यार एक और चीज़ है जो सुशांत, मैं आई वॉन्टेड टू डिस्कस, तुम यहाँ पे हो तो मैंने कहा बात करूँ.
ये एक लाइन ना मुझे बहुत इरिटेट करती है, आई एम श्योर तुम्हें भी करती होगी, ये जो कहते हैं ना कि मैं मर्द हूं, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, मैं कमजोर नहीं हूं, ये लाइन लिखी किसने थी? मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि मतलब जिसने चूड़ियां पहनी है वो कमजोर है? आई लव द रिएक्शन, आई कांट। क्या कहना चाहते हो बताओ? मुझे कुछ कहना ही नहीं है उनसे। एक बात ये हम सब अग्री कर सकते हैं कि औरतों से ज्यादा ताकतवर हम में से कोई नहीं, कोई नहीं है, हिजड़े नहीं है, मर्द नहीं है, ट्रांस नहीं है, औरतें ही हैं। ये तो है अल्टीमेट पावर जो होती है ना, आपको पहनना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप चूड़ियां पहनने से अगर आपको लगता है कि आप औरत बनेंगे, तो ये आप काफी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी गलत फहमी है। तो ये आप इस अपने दिमाग से निकाल के बिल्कुल आप प्लीज मत पहनना चूड़ियां, बिल्कुल मत पहने, और ये चूड़ियों जैसी बात करनी बंद कर दो। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था जी। तो जरा समझ लीजिए इस बात को, और ये बातें करनी बंद करें, और ये भी बोलना बंद करें। मैंने देखा है बच्चों को बोला जाता है, कोई छोटा लड़का रो रहा हो, जैसे मेरा बेटा है, सो वो घर में रो रहा था, तो मेरे किसी फ्रेंड ने बोला, अरे यार क्या लड़कियों जैसे आंसू बहा रहा है? तो मैंने बोला ना ये गलत बात है, हमारे घर में ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज आंसू मर्द भी बहाते हैं, लड़की भी बहाती है। अभी आप आंसू को भी, आप आंसू को भी जेंडर दे, मतलब आंसू को भी जेंडर दे रहे हैं। ये तो बोली आसूल वाली बात हो गई। तो ये बातें बिल्कुल बंद करें, आई थिंक ये बहुत जरूरी है यार। आई थिंक मुझे बार बार ये बातें करके लग रहा है द चेंज वी नीड टू ब्रिंग इज विद इन। बाहर कुछ चेंज नहीं करना, बाहर जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप को चेंज करो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यार, सुशांत बहुत डिफिकल्ट है। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कहना बड़ा आसान होता है। मैं बहुत से लोगों को मार्केट्स में भी देखता हूँ, लोग जा रहे होते हैं, ट्रांस जा रहे होते हैं, और लोग दिख के हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं। बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा टाइम आया जहाँ यू फेल्ट दैट्स इट बॉस, आई कांट टेक इट एनी मोर? सो जब भी मैंने ट्रांसजेंडर, बिफोर आई केम आउट एज ट्रांसजेंडर, जब भी मुझे पता नहीं था कि यू कैन बी जेंडर फ्लूइड लाइक मी, तो आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप फिर भी आइडेंटिफाई एज ए ट्रांस पर्सन कर सकते हैं। तो जो मेरी बहनें हैं, ट्रांस वीमेन हैं, दे आर बॉर्न एज अ मेल बट देयर सोल इज ऑफ अ वुमन, सो दे गो अंडर सर्जरी टू बिकम वुमन, दैट इज अ ट्रांस वुमन। फिर जो औरत के शरीर में मर्द की रूह लेके पैदा होते हैं, और जो सर्जरी करके मेल बनते हैं थ्रू सर्जरी, टॉप सर्जरी बोलते हैं उसको, तो जो वो सर्जिकली रिमूव करके फिर वो एज अ मैन दे लिव, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांस मैन। ट्रांस मैन, एंड इफ यू आर अ ट्रांस पर्सन, यू कुड बी ईदर हिजड़ा, यू कुड बी यू नो अ जेंडर फ्लूइड पर्सन, यू कुड बी नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी का मतलब है कि बाइनरी, जेंडर बाइनरी है मेल फीमेल, नॉन बाइनरी मतलब आप दोनों ही दोनों में गिरते नहीं है, आप ना ही मेल हो ना ही फीमेल, तो आप कहीं बीच में हो सकते हो और नाइदर। मुझे ना ही मेल बनना है ना ही फीमेल, तो दैट इज नॉन बाइनरी। जेंडर फ्लूइड इज यू आर ओके विद द फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर, लाइक मी, आई नो दैट मेरे में मेल एनर्जी भी है, मेरे में फीमेल एनर्जी भी है। सो व्हेन यू लुक एट मी, यू विल नॉट लुक एट मी लाइक एज इफ आई एम अ वुमन और अ मैन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो, दैट्स व्हाई माय मदर सेज, मुझे तो एक ही बच्चे में दोनों मिल गए। क्या बात है यार, इसमें आंटी को मिलना है मुझे, मैं स्पेशली मिलने आऊंगा। सो दैट इज अ ट्रांस पर्सन, एंड देन ये हुआ जेंडर, फिर मेल और फीमेल होते हैं, जो अपने बर्थ जेंडर को मान के चलते हैं वो उनको बोलते हैं सिस जेंडर, सिस जेंडर मेल, सो यू आर सिस जेंडर मेल, देन योर वाइफ इज अ सिस जेंडर फीमेल, राइट? ये हुआ जेंडर। अभी ओरिएंटेशन क्या होता है कि देयर इज गे, होमोसेक्सुअल, हेटरोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, asexual, these are sexual orientations. Asexuals को बहुत कम sexual urges होती हैं, या they are not attracted to a person sexually. तो emotionally attached है, या फिर spiritually inclined, और they are non-sexual but romantic. These are their orientation. Homosexual is a man who is in love with a man. Or a woman who is in love with a woman. Gay, lesbian. Heterosexual is a man in love with the opposite gender, opposite means you are heterosexual, you are in love with a woman, yes, that way, that is heterosexual, okay, and bisexual is someone who jinhe dono gender pasand, dono gender pasand. To ye aise
सेक्सुअलिटीज हैं, और ये बहुत ही मैंने ऊपरी ऊपरी से आपको बताया है. बट क्या बात है यार, बट ऑनेस्टली ये बहुत बड़ी नॉलेज आज यहाँ पे तुमने बांटी है, एंड विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. बिकॉज जनरली क्या होता है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो खुल के बात नहीं करते, एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी तुमने इतनी खुल के बात करी. बिकॉज आई थिंक बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन एक तो खत्म होती है, हाँ. बहुत से लोग समझ पाएंगे बहुत सी चीज़ों को, बिकॉज वहीं पे कमी हमारे यहाँ पे आ रही है, समझ में कमी है. जहाँ समझ आ गई आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. लेकिन तुमने जो एक बार अटेम्प्ट किया था टू एंड योर लाइफ, आई थिंक आई वॉन्टेड टू टच दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्या हुआ यहाँ पर, क्यों ऐसा कदम उठाने का सोचा. यू नो आई वॉज आई नेवर स्पोकन अबाउट दिस ever. So the person tried to molest me. Molest. दरवाजा ऐसा तोड़ा है और आके दो चमाट लगाए मेरे को. Sorry, I get emotional. It's fine.